हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विथ मी। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रोनाउन। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। तो अभी प्रीवियस वीडियो में हमने रूल नंबर 5 तक पढ़ा था, आज हम रूल नंबर 6 देखेंगे। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउन होते हैं, तो जब दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउन एक ही काम कर रहे हों तो क्या सीक्वेंस फॉलो होगा। हम पहले कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, पहले फर्स्ट पर्सन लगाएंगे, सेकंड पर्सन लगाएंगे या थर्ड पर्सन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यही हम इस रूल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि अगर सारे प्रोनाउंस सिंगुलर फॉर्म में हों, तो पहली बात तो ये कि आप प्रोनाउन चार्ट अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप वो याद कर लेंगे तो आपको सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म इन सब में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और सारे प्रोनाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में हो और किस कैसी बात हो रही हो, अच्छी बात हो रही हो, ठीक है, कोई अच्छा एक्शन हुआ हो, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले क्रेडिट, जब आप कोई अच्छा काम करते हो मिलके, तो क्या करते हो, क्रेडिट खुद नहीं लेते, क्रेडिट पहले सेकंड पर्सन को दिया जाता है कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, फिर थर्ड पर्सन को दिया जाता है, फिर लास्ट में खुद लिया जाता है क्रेडिट। तो यहाँ पे भी यही है कि सबसे पहले हम सेकंड पर्सन लगाएंगे, फिर थर्ड पर्सन लगाएंगे, फिर फर्स्ट पर्सन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल के थ्रू इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप की बात हो रही है। फर्स्ट सेंटेंस में यू ही एंड आई आर पार्टनर्स, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सेकंड पर्सन लगा, फिर थर्ड पर्सन लगा, फिर फर्स्ट पर्सन लगा। और जो वर्ब लगी वो कैसी लगी, प्लूरल, क्योंकि तीन लोग हैं ना, एक अकेला कोई है नहीं, तीन लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो वर्ब तो प्लूरल ही आएगी। सेकंड सेंटेंस देखो, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, तो पहले कौन सा पर्सन लगाया, थर्ड पर्सन लगाया, फिर फर्स्ट पर्सन लगाया, और वर्ब कैसी लगी, प्लूरल लगी। आई होप समझ आया हो आपको। अब देखो बी, रूल नंबर बी बोलता है कि अगर जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर न होकर प्लूरल फॉर्म में है तो क्या सीक्वेंस फॉलो होगा, 1 2 3, ठीक है, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। एग्जांपल के थ्रू देखो, वी यू एंड दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है, तीनों प्लूरल है, ठीक है। तो उस समय क्या है, आप इस वाला सीक्वेंस फॉलो करोगे, ये वाला सीक्वेंस फॉलो करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी देखो, फर्स्ट वाले जो रूल था उसमें सभी किस फॉर्म में थे, सिंगुलर फॉर्म में थे। आप देख सकते हो सभी किस फॉर्म में थे, सिंगुलर फॉर्म में थे। ये देखो एग्जाम्पल में यू ही आई ये सब क्या है, सिंगुलर है, ही एंड आई ये भी सिंगुलर है। तो सिंगुलर फॉर्म में हो तो 2 3 1 रूल फॉलो होगा, प्लूरल फॉर्म में हो तो 1 2 3 फॉलो होगा। अब वर्ब तो हमेशा दोनों कंडीशन में, इसमें भी प्लूरल लगेगी, इसमें भी प्लूरल ही लगेगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले वाले में, ए वाले में बात हुई थी नेगेटिव, पॉजिटिव चीज़ों की, पॉजिटिव काम की, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंस की बात हो रही है। जब कोई गलती हो गई हो और आपको माफ़ी मांगनी हो, तो सबसे पहले गलती अपनी मानोगे, दूसरे पे गलती नहीं थोपोगे, ठीक है। सबसे पहले किसकी गलती मानोगे, अपनी गलती मानोगे। तो क्या सीक्वेंस फॉलो होगा, पहले खुद, फिर सेकेंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, गलत काम हुआ है, लॉस हुआ है, तो पहले अपने आप को जिम्मेदार ठहराओगे, फिर दूसरे को जिम्मेदार ठहराओगे, ठीक है। सेकेंड देखो, यू एंड ही स्पॉइल द पार्टी, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड में दो ही पर्सन है, तो पहले सेकेंड लगा, फिर थर्ड लगा, उन्होंने क्या किया है, पार्टी को स्पॉइल कर दिया है, ये भी कोई गलत काम ही है। उसके बाद थर्ड, आई एंड ही विल बेग सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट, आप क्या करने जा रहे हो, अपोलोजाइज करने जा रहे हो, सॉरी बोलने जा रहे हो। तो सबसे पहले आई खुद, आप माफ़ी मांगोगे, फिर दूसरे को कहोगे, मतलब थर्ड पर्सन को कहोगे। तो पहले फर्स्ट पर्सन लगा, थर्ड पर्सन लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 देखो, आपको ये तो समझ में आ गया कि सारे दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउन रहेंगे तो किस सीक्वेंस में रखेंगे, लेकिन उसी समय अगर पजेसिव केस लगाना हो तो किसके अकॉर्डिंग लगाओगे। आपके पास तो दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस है, किसके अकॉर्डिंग लगाओगे। तो उस समय देखो क्या करते हैं, ये पहले मैंने इसीलिए आपको एग्जाम्पल्स दे दिए ताकि आपको रूल अच्छे से समझ में आए। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, यू एंड आई हैव डन अवर जॉब। देखो यू है और आई है, सेकेंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, डन और जाओ, और किसके अकॉर्डिंग लगा है, आई के अकॉर्डिंग लगा है। सेकेंड वाले में देखो, यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर वर्क, ही के साथ देखो हैव लगा है,
हैव किसके अकॉर्डिंग लगा है, क्योंकि दो लोग काम कर रहे हैं ना इसीलिए हैव लगा, तो इसीलिए हैव से यहाँ पे हैज मत करके आ जाना, हैव से कन्फ्यूज मत होना। और कंप्लीट योर किसके अकॉर्डिंग लगा, सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग। थर्ड वाले में देखो, ही एंड आई आई हैव डन आवर ड्यूटी, आवर लगा है किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। यू ही एंड आई हैव कम्प्लीटेड आवर वर्क, किसके अकॉर्डिंग आवर लगा है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। तो रूल क्या कहता है हमारा, कि जब भी ऐसे जुड़े हो दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस, सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड थर्ड हो, थर्ड और फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों हो, तो पजेसिव केस जो लगता है इस वाली सिचुएशन में कैसा लगेगा, फर्स्ट पर्सन रहेगा लेकिन प्लूरल रहेगा। हमने यहाँ पे क्या लगाया, आवर लगाया है, आई के अकॉर्डिंग लगा रहे थे तो माई नहीं लगा के आ गए, क्या लगाया, आवर लगाया, क्यों, क्योंकि दो लोग हैं ना, दो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लगेगा, पोजेसिव केस जो छोटा वाला होगा, मतलब जो पहले आ सकता है, जो प्रोनाउन चार्ट में पहले आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, पोजेसिव केस लगाओगे और प्लूरल फॉर्म में लगाओगे। सारा देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, देखो रूल नंबर 8 कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बात करता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, आपको पता होगा कि कलेक्टिव नाउन कलेक्शन होता है चीज़ों का, जानवरों का, इंसानों का, कलेक्शन को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। और कलेक्टिव नाउन की जब बात हो, जब वो एक साथ मिल के कोई काम कर रहे हैं, कोई एक एक्शन मिल के परफॉर्म कर रहे हों, तो उस समय कैसी पजेसिव केस लगती है। देखो, द क्रू मर्डर्ड इट्स कैप्टन, क्रू यानी कि सेना, सेना ने क्या किया है, मर्डर किया है, मिल के काम किया है, मर्डर किया है किसका, इट्स कैप्टन। तो जो हमारी पजेसिव केस लगेगी वो सिंगुलर होगी, और किस जेंडर की होगी, न्यूट्रल जेंडर की। इट का पजेसिव क्या होता है, इट न्यूट्रल जेंडर होता है, प्रोनाउन चार्ट देख लेना, याद कर लेना, इट न्यूट्रल जेंडर होता है। इट का पजेसिव क्या होता है, इट्स होता है, ठीक है। और जब इट्स पजेसिव होता है, और इट का प्लूरल क्या होता है बच्चों, इट का प्लूरल दे होता है, ठीक है, याद रखना इसको, ही शी इट, तीनों का प्लूरल दे होता है। तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे और न्यूट्रल जेंडर का लगाएंगे, न्यूट्रल जेंडर का सिंगुलर लगाएंगे। तो द क्रू मर्डर इट्स कैप्टन। उसके बाद है द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब होता है निर्णय, फैसला, डिसीजन। और ज्यूरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का समूह, उसको हम बोलते हैं ज्यूरी। तो ज्यूरी ने मिलके कोई निर्णय दिया है, कोई डिसीजन दिया है, तो वहाँ पे इट्स लगा, ठीक है। उसके बाद द आर्मी इज गोइंग टू इट्स कैंप, आपको पता है आर्मी, ज्यूरी, क्रू सारे पर्सन है, और लेकिन फिर भी हम इनके साथ क्या लगा रहे हैं, न्यूट्रल जेंडर लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सारे मिलके एक ही काम कर रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखो कलेक्टिव नाउन का एक वो है कि जब कलेक्टिव नाउन सेपरेट हो जाए, मतलब कि अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन द डिसीजन, मतलब ज्यूरी में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, और पांचों में से 3 ने कुछ और डिसीजन दिया, 2 ने कुछ और डिसीजन दिया, तो ज्यूरी क्या हो गई, डिवाइड हो गई, सेपरेट हो गई, बट गई ना। तो उस समय क्या होगा कि तुम उसके लिए जो पजेसिव केस लगाओगे वो क्या लगाओगे, प्लूरल लगाओगे, प्लूरल लगाओगे, देयर लगाओगे, इट्स उस समय नहीं लगाओगे, ठीक है। और वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि दो भाग हो गए ना ज्यूरी के, सिंगुलर तो रह नहीं गई। कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर की तरह काम करता है, एक की तरह काम करता है, एक साथ मिल के काम करता है, तब वहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होती है, और जो आपका पजेसिव केस लगता है वो सिंगुलर और न्यूट्रल जेंडर का लगता है। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो जाता है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाती है और पजेसिव केस भी प्लूरल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लें इट की, इट में देखो बहुत कन्फ्यूजन होती है, लोगों को लगता है कि सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इट लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ तो लगता ही है, लेकिन एनिमल्स के साथ भी लगता है, चाइल्ड के साथ भी लगता है। तो आइए देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स का आपको पता है, तो ये देखो यहाँ पे है ना, हेयर इज़ योर पेन, पेन के लिए क्या लग गया, इट लग गया। उसके बाद सेकेंड वाला एनिमल्स के लिए लगता है। अब ये चीज़ याद रखना कि एनिमल्स के साथ तो आपने कभी पढ़ा होगा, कहानी जब पढ़ते हो आप, तो उसमें क्या होता है, ही शी भी लगा रहता है एनिमल्स के लिए। क्यों वहाँ पे ही शी लगा रहता है बेटा, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि हम एनिमल्स को नाम दे देते हैं, कभी भी कोई भी आपका पेट होगा, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी आपने पाला हो, आप उसको एक नाम दे देते हो,
उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे आप क्या करते हो उसके नाम के अकॉर्डिंग उसके साथ ही शी लगा देते हो। उसी तरह कहानियों में क्या होता है, पंचतंत्र देख लो, जंगल बुक देख लो, उसमें क्या होता है सारे करेक्टर्स को ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता है, उनको एक नाम दिया जाता है, इसीलिए वहाँ पे ही शी लगाते हैं। लेकिन अगर आपको सड़क पे कोई कुत्ता बिल्ली शेर कुछ भी दिख जाए चलता हुआ, तो आप उसको ही शी इट नहीं कहोगे, उस समय आप क्या लगाओगे, इट लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है ही हैज़ अ कैट, कैट के लिए क्या लगा, इट लगा। ठीक है, और चाइल्ड, चाइल्ड के लिए कब इट लगता है, जब वो न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे, उनका जिनका जेंडर आपको पता नहीं हो, तो उस समय आप क्या लगाओगे, इट लगाओगे। जैसे यहाँ पे है आई सॉ अ चाइल्ड, चाइल्ड के लिए देखो क्या लगा है, इट वॉज प्लेइंग, इट लगा है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और उसके बाद इम्फोसाइज, जब भी आप किसी नाउन या प्रोनाउन पे जोर देते हो, इम्फोसाइज करते हो, तो वहाँ पे इट लगाते हो, इट इज़ यू हु कैन सॉल्व दिस ना। तो यहाँ पे यू पे हमने क्या किया है, इम्फोसाइज किया है, तो इट लगा दिया। इट इज़ द प्लेस वेयर ही वॉज मर्डर्ड, ये वही जगह है, वही जगह है जहाँ पे उसका मर्डर हुआ था, तो प्लेस पे जोर दे रहे हो ना, तो उसके लिए इट लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, अब देखो इट कब लगता है, जब टाइम, वेदर, इन सब की बात होती है तो इट लगता है। कहते हैं इट्स रेनिंग, ठीक है, इट स्नोज, स्नोज मतलब इट स्नोज, क्या हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है, तो क्या बोलोगे, इट स्नोज, इट स्नोज। ठीक है, तो ऐसे ही जब आपको वेदर कंडीशन बतानी होती है, टाइम बताना होता है, तभी भी आप इट लगाते हो। जैसे इट इज़ 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, इट इज़ फाइन, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ विंटर, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ इवनिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे हमारा पर्सनल प्रोनाउन का जितना भी रूल था क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हाँ वीडियो लास्ट तक देखा करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।